हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये जो शुरुआती में आपने ब्लर देखा था वो ब्लर बताऊंगा और इस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि ब्राउन इफेक्ट है। तो दोस्तों चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके की इफेक्ट को आप इजीली अपने कैपकट ऐप से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन में इस कैपकट ऐप को ओपन कर लेना होगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपसे इजीली ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कैपकट ऐप ओपन हो चुका है, तो अभी आपको यहाँ पर से इस न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों अभी आपको यहाँ पर से अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिस पर आप इस तरीके का ब्राउन इफेक्ट अप्लाई करने वाले हो। तो हमने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई ब्राउन इफेक्ट और ब्लर अप्लाई नहीं है, तो अभी आपको वीडियो के सबसे अंत में जाके इस वाटरमार्क को डिलीट कर देना है। दोस्तों वाटरमार्क को डिलीट ही कर देना है, नहीं तो यह वीडियो के अंत तक चिपका ही रहेगा। तो अभी आपको सिंपली से दोस्तों इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको ऊपर में कॉमिक ढूंढ लेना है। दोस्तों थोड़ा सा इधर करोगे, थोड़ा सा इधर आपको कर लेना है, तो यहाँ एक कॉमिक का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस कॉमिक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर से इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है BNW स्केच। तो दोस्तों आपकी वीडियो जो है स्केच में हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। तो दोस्तों अभी इस इफेक्ट को पूरी वीडियो में अपने अप्लाई कर लेना है, यहाँ से खींच के पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है और उसके बाद आपको फिर से इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको ऊपर में बेसिक ढूंढ लेना है। दोस्तों बेसिक ये रहा, तो इस बेसिक वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ से इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसका नाम है ब्लर। तो दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो ब्लर हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है और डन कर देने के बाद दोस्तों इसको भी अपनी पूरी वीडियो में अप्लाई कर लेना है यहाँ से खींच के। अभी दोस्तों इस वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जब तक हमारी वीडियो सेव हो रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर दो। हाँ तो दोस्तों वीडियो सेव हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है। और बैक कर देने के बाद आपको ऊपर में जो BNW स्केच वाला इफेक्ट सेलेक्ट किया था उस इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस इफेक्ट। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर से आपको कॉमिक पर चले जाना है। और दोस्तों कॉमिक पर जाने के बाद आपको नीचे करना है, तो यहाँ एक नियॉन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस नियॉन वाले इफेक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। और दोस्तों डन कर देने के बाद इस वीडियो को भी आपको सेव करना है। वीडियो जब तक सेव हो रही है, तो दोस्तों हमारी वीडियो ये वाली भी सेव हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर से एक बार बैक कर देना है और दोस्तों बैक हो जाएगी तो इस दोनों इफेक्ट को बारी बारी से डिलीट कर देना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर ये डिलीट वाला ऑप्शन है ना, तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। इस दोनों इफेक्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है और यहाँ पर एक आपको ओवरले वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस ओवरले वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अभी दोस्तों यहाँ पर से अपनी उस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट किए थे, जो स्केच वाला था ना, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हो चुका है हमारा ये स्केच वाला वीडियो ऐड। अब इसको हम लोग जूम कर लेंगे, अपने फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेंगे और हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे एक स्प्लाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर करना है तो एक बर्न वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको आपको अपनी वीडियो के हिसाब से कम कर लेनी है। तो मैं इसको 80% के आसपास रखने वाला हूँ और इतना रख लेने के बाद आपको यहाँ पर से डन कर देना है। और डन कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ से इस ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से दोस्तों अपनी नियॉन वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आप सेकेंड बार में एक्सपोर्ट किए थे ना, उस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है। तो हो चुका है हमारा ये वीडियो सेलेक्ट। अभी इसको भी हम लोग जूम करके अपने फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों फिट स्क्रीन में अप्लाई हो जाने के बाद आपको फिर से इस स्प्लाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इधर करना है तो एक हार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस हार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको आपको 70 के आसपास रख लेना है। और दोस्तों 70 के आसपास रख लेने के बाद आपकी वीडियो में जो है ब्राउन इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अभी यहाँ पर से देखने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इधर उधर हो रहा है, तो आप वीडियो जब एक्सपोर्ट कर लोगे ना तब आपकी वीडियो में अच्छा इफेक्ट दिखेगा और एकदम बढ़िया से दिखेगा। तो दोस्तों अभी इसमें हम लोग डायमंड ब्लर वाला इफेक्ट अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऊपर से चले जाना है बेसिक पर। दोस्तों बेसिक पर जाने के बाद आपको फर्स्ट में ही मिलेगा डायमंड ब्लर, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों हमारी वीडियो में डायमंड ब्लर भी अप्लाई हो चुका है और यहाँ से हमारा ये ब्लैक इफेक्ट। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इस वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको पता ही है ऊपर में जो निशान दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।